चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर पलवल से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस मौके पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट पावर प्रेजेंटेशन स्लाइड फॉर्मेट के माध्यम से प्रस्तुत की। राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा पलवल में किए जा रहे डेवलपमेंट के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश विकास कार्यों में देरी हो रही है, जिसके चलते अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा होती है और जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा होती है और उन पे कितना कितना काम हुआ है उसकी पूछताछ भी होती है, उस पर आगामी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो इस सब विषयों पर लेकर हर डिपार्टमेंट की कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक समय हर एक अंतराल 3 महीने के बाद हम करते हैं। चाहते हैं कुछ काम बारिश की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से कुछ काम डिले हुए हैं, लेकिन अब जैसे हमने तय कर रखा है पलवल के तमाम गांवों को हम जनवेद योजना के द्वारा 31-30 अक्टूबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। पलवल का हर गांव जगमग योजना से जुड़ जाएगा और वहां पर पूरी बिजली सप्लाई होगी। रसूलपुर फ्लाई ओवर है, उसके बारे में टेस्ट किया है कि 30 अक्टूबर तक वो काम कंप्लीट, उसको एक्सटेंशन मिला है, वो काम कंप्लीट कर देगा। काम हो रहा नहीं तो वहाँ पे बुरा हाल है। जब टेंडर खत्म हो रहा था तो उससे पहले टेंडर लग जाना चाहिए था। घास खड़ी है, वैसे गंदगी है, जो आर्टिस्ट जो पार्क मेंटेनेंस चार्ज